हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे टॉप 30 जनरल नॉलेज क्वेश्चंस भारतीय संविधान के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। किस संविधान संशोधन के अनुसार भारत के लोगों के लिए मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु 21 से 18 वर्ष कर दी गई। 61वें संविधान संशोधन, सरकारिया आयोग किससे संबंधित है, केंद्र और राज्य संबंध। भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति सबसे ज्यादा किसके समान है, ब्रिटिश के राजा। भारत के संविधान में कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं, 6। भारत में द्विशासन किस अधिनियम द्वारा शुरू हुआ, 1919 के अधिनियम। भारत में मदरसों की स्थापना में संविधान का कौन सा अनुच्छेद मददगार है, अनुच्छेद 30। निम्नलिखित में कौन नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना कर सकता है, राज्यसभा। किस मामले में भारत के सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है, नागरिक, आपराधिक और संवैधानिक मामले। भारत का पहला आधिकारिक भाषा आयोग कब बनाया गया, 1955। भारत में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली किसके लिए प्रयोग की जाती है, राष्ट्रपति। पंचायती राज संस्थानों में सुधार के लिए अशोक मेहता समिति कब बनाई गई, 1970। भारत में अंतर्राज्यीय परिषद को कौन स्थापित कर सकता है, राष्ट्रपति। भारत का पहला राज्य कौन सा था जहां संवैधानिक तंत्र फेल होने की वजह से आपातकाल लगाया गया, पंजाब। देवेंद्र पांडे समिति किससे संबंधित है, वन अधिकार अधिनियम। निम्नलिखित में कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आती है, डोगरी। निम्नलिखित में कौन फांसी की सजा को क्षमा कर सकता है, केवल राष्ट्रपति। भारत में ईवीएम को चुनाव आयोग द्वारा निम्नलिखित में से इसके सहयोग से तैयार और डिजाइन किया गया है, डीआरडीओ और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, गृह मंत्रालय। समान कार्य के लिए समान वेतन किस प्रकार का मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है, अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन
कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 15। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? बी आर अम्बेडकर। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? 284। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 20। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? 10वीं। संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में। भारत के संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू। थैंक यू वेरी मच।